हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग प्रोसेस। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्राइमरी स्क्रीनिंग, और हमने चारों के चारों जो स्टेप थे प्राइमरी स्क्रीनिंग के वो भी पूरी तरीके से कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी स्क्रीनिंग। सेकेंडरी स्क्रीनिंग क्या होती है? द स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग सेकेंडरी स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम सेकेंडरी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, सेकेंडरी स्क्रीनिंग मीन हमने सबसे पहले क्या किया था, उनकी प्राइमरी स्क्रीनिंग की थी। प्राइमरी स्क्रीनिंग में हमने सिर्फ यही देखा था कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, कि जो सिलेक्टेड डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवा रहा है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी स्क्रीनिंग में कि वी हैव सिलेक्ट ओनली इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स। हमें सिर्फ अब यही देखना है कि कोई माइक्रोब्स इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है या नहीं। दूसरा, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग ऑफ माइक्रोब्स अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। अब जो भी माइक्रोब्स हमें मिले हैं हमें क्या करनी है, उनकी शॉर्टिंग करनी है। शॉर्टिंग मतलब उनकी छंटाई, उनको अलग अलग करना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या वैल्यू रखता है, उनकी जो रियल वैल्यू है हमें वो पता करनी है। इनकी जो रियल वैल्यू है हमें उसका पता करना है। अब इनके अंदर से हमें सिर्फ वी ओनली सिलेक्ट यूजफुल माइक्रोब्स एंड डिस्कार्ड अनयूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो अनयूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो यूजफुल होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, सिर्फ उनको ही सिलेक्ट किया जाता है। स्टेप नंबर फोर। फोर स्टेप हमें क्या देगा, आइडिया अबाउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस, आइडिया अबाउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस का आइडिया देगा, कोई भी माइक्रोब्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस का आइडिया देगा। अब हमने जो माइक्रोब सेलेक्ट किए हैं हमें सिर्फ वो ही देखना है कि माइक्रोब्स कैसे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियली स्केल के ऊपर देखना है हमें सिर्फ ये कि वो माइक्रोब्स कैसे काम कर रहे हैं, वो माइक्रोब्स टिक रहे हैं या नहीं। सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म should be genetically stable। वो कैसे होने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली स्टेबल होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट बनाते टाइम उनका जेनेटिक स्टेबल नहीं है, उनका जीन स्टेबल नहीं है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, हमें यह देखना होगा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है वो न्यू है या नहीं है, न्यू और नॉट। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वो न्यू है या नहीं है। सेवेंथ में, द प्रोडक्ट इज स्टेबल और नॉट। जो प्रोडक्ट बनाया गया है
वो स्टेबल है या नहीं है, ये चीजें हमें देखनी है। ये सारी की सारी चीजें किसमें देखनी होती है, हमें सेकेंडरी स्क्रीनिंग में देखनी होती है, ताकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इंडस्ट्रियली स्केल के ऊपर लेके जा सके। और कुछ लेके भी जाते हैं हम, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्रियली स्केल के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे विटामिन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बेकरी के अंदर यूज़ करते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर एंटीबायोटिक पर्पज़ के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्रियली स्केल के ऊपर ले जाने से पहले उनकी सेकेंडरी स्क्रीनिंग की जाती है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग मतलब उनको एक बार चेक करना होता है कि वो बीच में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, ऐसी चेकिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग। जो बीज का प्रोसेस है उनको इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर लेके जाने से पहले एक बार उनकी सेकेंडरी, कि ये बहुत सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे गिव एंडोस्पोर्स, दे मल्टीप्लाई इन शॉर्ट टाइम, कि वो छोटे टाइम में कम समय में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके अलावा प्रोडक्ट के रूप में दे गिव ओनली डिजायर्ड सब्सटेंस, ठीक है, वो सिर्फ डिजायर्ड सब्सटेंस दे रहे हैं या फिर मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स विद अनडिजायर्ड सब्सटेंस, या फिर किसी अनडिजायर्ड सब्सटेंस के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं। ये थी हमारी सेकेंडरी स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरी की पूरी। सिर्फ क्या होती है सेकेंडरी स्क्रीनिंग प्रोसेस, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर लेके जाने से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जस्ट एक बार चेक किया जाता है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम प्राइमरी प्रोसेस के अंदर सेलेक्ट करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार चेक किया जाएगा कि वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जाने के लायक है या नहीं, ठीक है। उसी कारण इनको चेक करते हैं, तो इस प्रोसेस का हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये थी हमारी सेकेंडरी स्क्रीनिंग प्रोसेस, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।